नमस्कार आदाब सत श्री अकाल प्रणाम। मैं हूँ सौमित्र वर्मा और आप देखने जा रहे हैं डिस्कशन फॉर मोटिवेशन द ड्रीम प्लान चैनल पे। दोस्तों आज के हमारे गेस्ट कुछ खास हैं, खास उनमें ये है कि वो डायरेक्टर हैं, वो मोटिवेटर हैं, वो एक्टर हैं, वो जाने माने साहित्यकार हैं, कवि हैं, बहुत कुछ उन्होंने अपने लाइफ में किया है। तो दोस्तों इस एपिसोड को पूरा देखिएगा शुरू से एंड तक, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हम ऊपरी बातें नहीं करते, हम जमीनी बातें करते हैं, हम मोटिवेशन का जो पिलर है उसको निर्माण करते हैं, हम ऐसी हवा में आग नहीं लगा देते। तो आइए मिलते हैं हमारे गेस्ट से इस एपिसोड में, यानी द ड्रीम प्लान चैनल पे डिस्कशन फॉर मोटिवेशन में। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एक नया कार्यक्रम हमने शुरू किया है जिसका नाम है डिस्कशन फॉर मोटिवेशन। धन्यवाद, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और आप जो भी हमारा परिचय दिए वो आपकी विनम्रता है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को सर आप अपने जबानी बताएं कि अपने रंगश्री थिएटर की स्थापना की, रंगश्री स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना की, रंगश्री रेपेटरी की स्थापना की और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से इसको ग्रांट भी मिलता है और बहुत सारे लोगों को आपने, लगभग 10,000 लोगों को आपने ट्रेंड किया है अपने इस जीवन काल में। और कह सकते हैं कि थिएटर जगत में जो आपका नाम है और जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं और इतना कुछ हासिल किया है, वो कैसे और क्या क्या परेशानियां आई और कैसे आप आगे बढ़े? देखिए एक लंबी यात्रा है और इस लंबी यात्रा में मुझे कुछ हासिल करना है ऐसा सोच के तो नहीं किया, और चलते गए। थिएटर की यात्रा बचपन से शुरू हुई, बड़े भाई हमारे जी गुरु समान हैं और उन्होंने ही हमें थिएटर में खींचा। तो एक मातृभाषा से लगाओ और कुछ भी कहने का एक प्लेटफॉर्म, यूं कहें सरल शब्दों में कि दिल का भड़ास निकालने के लिए एक मंच, ऐसे मंच अलग अलग तरह से अलग अलग लोग चुनते हैं जी। लेकिन चूंकि बचपन से रंगमंच से जुड़ा तो लगा कि रंगमंच सबसे हमारे लिए सहज है और वहाँ सीधे हम अपनी बात दर्शकों तक कह सकते हैं जी। अब मैं एक ग्रामीण बैकग्राउंड से, पृष्ठभूमि से आया और यूं कह लें मेरे पिताजी शिक्षक थे, बाद में एक सरकारी कार्यालय में बड़ा बाबू तक पहुँचे, फिर रिटायर कर गए। रिटायर करने के बाद जब गांव आए तो मैं क्लास 8 में था और गांव में खेतीबाड़ी करते हुए, स्कूल में पढ़ते हुए, आगे अपना गांव से कॉलेज तक जाते हुए लगा कि हम लोग गांव से निकल के जब आए तो हमारे लिए चुनौतियां तो बहुत थी जी जी। और उन चुनौतियों को पार करते गए, मुझे लगा कि थिएटर इसमें बहुत सहायक रहा, क्योंकि थिएटर हमें जब हम 500, 1000, 10,000 या उससे भी अधिक लोगों के समक्ष हम प्रदर्शन करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई साधारण बात नहीं है। लोग 10 आदमी के सामने खड़ा होकर बोलते हैं उसमें पसीना छूटने लगता है, तो थिएटर ही ऐसा माध्यम था जब हम एक बृहद जन समुदाय के सामने खड़े होकर के अपनी प्रस्तुति देते थे और उसमें जरा सा हिचकिचाहट नहीं होता था और कपकपी जो होने लगती है लोगों को वो नहीं होता था, वो भी एक गांव से आया हुआ इंसान। तो मुझे लगा कि ये आत्मविश्वास बढ़ाने का एक बहुत जबरदस्त माध्यम है। इस बात को लेकर के मैंने अलग अलग सेक्शन वर्ग समाज के लोगों को प्रशिक्षित किया, बच्चों को किया, महिलाओं को किया, अधिकारियों को किया, वो समाज सेवी संस्थाओं के रहे हों तो या फिर सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के रहे हों तो। ऐसे अवसर मुझे मिलते रहे, रंगश्री के माध्यम से कुछ मिले, कुछ अन्य एनजीओज के माध्यम से मिले। तो एक तरह से मैंने अपने अनुभव को बांटा ताकि जो मेरी तरह के पृष्ठभूमि के लोग हैं उनका मेरे अनुभव का लाभ मिल सके।
और अब जहाँ तक रंगश्री की बात है, तो रंगश्री मैं जब बोकारो स्टील प्लांट ज्वाइन किया और मेरी पहचान एक अभिनेता के रूप में होने लगी, वो भी भोजपुरी से जब ज़्यादा करीबी दिखा लोगों को, तो खुद ब खुद जो हमारे वहाँ के कलाकार थे हमारे पास आने लगे कि हम लोग एक संस्था बनाते हैं जी, जी। और संस्था बन गई जी। संस्था बन गई और प्रस्तुतियाँ होने लगी, और पहली प्रस्तुति ही इतना कामयाब रहा, इतने सारे पुरस्कार मिले कि हम लोगों का उत्साह बढ़ा। और इस उत्साह वर्धन में किसका किसका हाथ है वो अगर आप पूछते हैं तो सबसे पहले परिवार, उसके बाद समाज, फिर आपके लिए स्वयं को मजबूत करना बहुत आसान बहुत हो जाता है। ज़्यादा जरूरी भी है सर, लेकिन पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे जैसे थिएटर में आने से या कोई भी नया काम, लोगों के लिए कोई भी नया काम होता है तो परिवार वाले भी सपोर्ट नहीं करते, तो उसमें अगर सपोर्ट नहीं करें और बहुत निराश भी कर दे, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, ये सब फालतू चीज़ें हैं, नाच कर रहा है या कोई भी हो, चाहे बिजनेस करें या फिर थिएटर करें या कुछ भी करें, तो अंदर से फिर उस आग को जो मतलब थोड़ी सी ज्वाला है उसको आग बनाने के लिए फिर क्या किया आपने, कैसे फिर की हुआ होगा, ज़रूरी है कि परिवार वालों ने पूरी तरह सपोर्ट किया होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा। नहीं देखिए, बचपन में जब पढ़ाई लिखाई करते हुए हम नाटक करते थे तो परिवार का ही सपोर्ट था, और मेरे पिताजी या माँ या भाई, बड़े भाई, सबका मोरल सपोर्ट, और हमारे लिए उस काम की तारीफ या प्रशंसा, ये सबसे पहले हमें मोटिवेट करता जी, है जी। और परिवार के ही लोग अगर उस विधा को और उस उपलब्धि को नहीं सराहेंगे तो कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो वो आगे उस क्षेत्र में नहीं बढ़ेगा। मैंने नाटक बबुआ गोवर्धन में जी, जी, जी। ये इस बात को बखूबी दिखाया है कि पिताजी की प्रशंसा के दो शब्द बबुआ गोवर्धन जो आप करते हैं वो कैसे आपको मोटिवेट करता है, तो ये स्वाभाविक है। सेकंड, मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जैसे आपका कोई बच्चा हो, मित्र हो या फिर कोई बड़े बुजुर्ग देख रहे हो, अगर उनका कोई लड़का या कोई लड़की या कोई भी जो आगे बढ़ना चाहता हो उसको मोटिवेट करें, ना कि गिराएं, ना कि उसका मनोबल गिराएं, उसको आगे बढ़ने में सहायता दें। खासकर अगर आपका पैसा भी नहीं तो कम से कम जबानी, कम से हृदय से तो सपोर्ट करें उसको, तभी तो वो इंसान आगे बढ़ेगा। लेकिन सर एक और बात, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपने नाटक के लिए, थिएटर के लिए अपना जॉब त्याग दिया था, छोड़ दिया था, उस समय तो परेशानी आई होंगी, घर वाले भाई पैसा कहाँ से आएगा? हाँ देखिए, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क था, जो उद्यमिता में कहा जाता है, सिखाया जाता है कि जो भी आप जोखिम उठाते हैं तो एक कैलकुलेटेड पूर्व गणना करके हिसाब किताब लगा के छोड़ें। तो मैंने हिसाब किताब लगाया कि अब 11 साल की नौकरी बची है, इतने पैसे मिलेंगे और मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दूंगा और वो सेटल हो जाएंगे। इस तरह से मैंने एक गणना की, 26 साल नौकरी करने के बाद 11 साल की नौकरी छोड़ी, पहले भी छोड़ सकता था, लेकिन पहले मैंने जब कैलकुलेट किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये उचित नहीं है। आदरणीय प्रकाश झा जी जो मशहूर फिल्म निर्माता है, उन्होंने कहा जी, वही प्रकाश झा जिन्होंने गंगा जल बनाई है, जिन्होंने जी राजनीति बनाई है, बहुत सारी फिल्में बनाई है, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। हाँ, मैं उनके सीरियल में विद्रोह में वीर कुंवर सिंह को मारने वाला जो अंग्रेज कैप्टन था डगलस, उसकी भूमिका मैंने निभाई थी। और उसके बाद उन्होंने अपने सीरियल था सर, ये विद्रोह सीरियल था, विद्रोह सीरियल में उन्होंने डगलस की भूमिका निभाई थी, जिसके निर्देशक थे श्री प्रकाश झा जी। और फिर उनका एक डॉक्यूमेंट्री भी बना था वाल्मी में, चुनौती करके, उसमें मैं टीम लीडर था, उसमें लीड रोल में था। उनको अच्छा लगा मेरा काम और उन्होंने कहा भी, महेंद्र बम्बई चलोगे? उस वक्त मेरे 3 बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। मैंने कहा भैया इसका कुछ पारिश्रमिक या मंथली इनकम? तो बोले वो तो रिस्क है। तो मैंने कहा अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ। जब मुझे लगा कि मैं अब उस स्थिति में हूँ, आ गया हूँ कि मैं बच्चों को अपना पारिवारिक दायित्व तो निभाते हुए अपना काम कर सकता हूँ, फिर मैंने ये जोखिम उठाया। क्योंकि जोखिम
मैं किसी को भी नहीं सलाह देता कि बिल्कुल ही जोखिम उठाओ और कूद पड़ो बिना किसी संबल के, बिना किसी सहयोग के। हाँ, ये भी बात है कि जहाँ चाह वहाँ राह, लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह के साथ साथ आपको अपने आप को तौल लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी क्षमताओं को तौलना, अपने आप के बारे में एक आकलन करना और सही आकलन, वो ज़रूरी होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे कोई भी, चाहे नाटक करना चाहते हो या कोई बिजनेस करना चाहते हो या कुछ भी जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को जानिए कि हम कितने पानी में हैं, क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अपनी ताकत कितनी है, अपनी हिम्मत कितनी है और आपकी लगन कितनी है। ऐसा तो नहीं कि किसी ने बोल दिया और आज बहुत ज़्यादा जिज्ञासा, नहीं नहीं मैं ये कर लूँगा, फिर दूसरे दिन किसी ने बोला ये कर लेता हूँ, तीसरे दिन किसी ने बोला ये कर लेता हूँ। तो सर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, कैसे हम समझें कि मुझे यही करना चाहिए, कैसे हमें पता चलेगा कि आकलन सही है या गलत है? देखिए, जब आपको उपलब्धियां हासिल होने लगती हैं, जैसे किसी क्षेत्र में आप उपलब्धियां, मतलब किसी काम के लिए आप पुरस्कृत होते हैं या आपका रिजल्ट ही बहुत बढ़िया आता है, तो एक वो मापदंड या परिचायक होता है कि आप में ये क्षमता है, उस क्षमता को विकसित करना, एक बात। दूसरी बात कि जो आप में कमजोरियां हैं, आप कमजोरियों को अगर कोई बता रहा है और आप उससे नाराज होते हैं, आमतौर पे लोग कमजोरियों को बताने से नाराज अपने आप को दरकिनार कर लेते हैं, भाई किसी की कमजोरी को मैं क्यों बताऊं, वो नाराज हो जाएगा। तो हम सिर्फ तारीफें सुनते हैं और तारीफ सुनकर ही सिर्फ खुश होते हैं, तो ये गलत है। आपको आमंत्रित करना होगा अपने बारे में, अपनी आलोचना की, मुझे में कहाँ कमी रह गई। सर, ये भी होता है बहुत बार कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपके, आप अगर कहीं बढ़ रहे हो किसी काम में आगे, तो आलोचना वो जानबूझ के करते हैं ताकि वो गिर जाए, मनोबल तोड़ने के लिए। तो वो कैसे हम समझें कि वो सही है या गलत है, उसकी पहचान करनी होगी आपको कैसे कि... मतलब, हम मान लीजिए दर्शक जानना चाहते हो कि बहुत बार ऐसा उनके समक्ष भी होता है, बहुत सारे लोग सही भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग गलत भी बोलते हैं, तो कैसे हम पता करें कि भाई वो सही है, वो आलोचना जो कर रहे हैं वो सही है और वो आलोचना गलत है? देखिए, किसी भी अरे गहरे के आलोचना से आप न घबराएं। हाँ, आप अपने शुभ चिंतक को बिठाएं दर्शक के वर्ग में या अपनी समीक्षा करने के लिए उससे बोलें, जिस पर आपको पूरा विश्वास है कि वो जो बोलेगा वो मेरे हित की बोलेगा, और आप उससे समीक्षा, आप तो बोल पूछते रहते हैं, आप कोई काम करते हैं तो आप कई बार मुझसे भी आपने पूछा है कि सर आप मेरी कमियों को बताएं, तो ये ज़रूरी है। उस फील्ड के जो जानकार हैं और आप जानते हैं कि हाँ ये मुझे खुश करने के लिए नहीं बोलेंगे, मेरी कमज़ोरी को बताएंगे, तो उनसे पूछिए। हाँ, किसी अरे गहरे की समीक्षा से आप न घबराएं, लेकिन हाँ, जो समीक्षा, जो भी नकारात्मक बात आपके बारे में कोई बताता है, तो एक बार सोचे जरूर कि क्या वाकई ये सही है। अपने दोस्तों से, जो करीबी लोग हैं, उनसे पूछें कि ऐसे मेरे बारे में किसी ने कहा है तो कितना सही आपको लगता है। सर, एक और चीज़ पूछना चाहते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह में जाके, जैसे आपको पता ही है कि मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ बच्चों को एक्टिंग सिखाने के लिए, तो वहाँ पे मैं जब पहुँचता हूँ तो वो सारे पहले से स्टार बन चुके होते हैं दिमागी तौर पे, और जब मैं जाता हूँ, जब एक्टिंग सिखाता हूँ, तो पता चलता है एक दो महीने के बाद कह रहे हैं कि वो लोग कुछ जानते नहीं, उनको खुद एहसास होता है कि सर सॉरी, हमें तो पता ही नहीं था कि हमें इतना कुछ अभी जानना है एक्टिंग से रिलेटेड चीज़ें। तो उस समय वो स्टार बन चुका, अगर मैं नहीं जाता। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं भी कि जो सिर्फ बच्चों से पैसे लेने के लिए, और उनका ऐसा वो बना देते हैं कि एक महीने में आप स्टार बन गए, आप एक्टर बन गए, और वो निकल के जाते हैं, बाद में धक्का खा के आते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे टीचर भी होते हैं, बहुत सारे उनके जैसे प्रिंसिपल भी होता है जो इंस्टीट्यूशन चला रहा होता है, वो भी गलत बातें बता देता है। उस समय हम क्या करें कि घर वाले तो जानते नहीं एक्टिंग के बारे में, तो मतलब क्या, आप क्या कहना चाहेंगे कि किस जगह पर जाएँ जहाँ से वो बच्चे जो एक्टिंग सीख रहे हैं, जो थिएटर सीख रहे हैं, उन उस सही जगह पे पहुंचे, वहाँ से सही जगह से गाइडेंस लेके एक्टिंग सीख के बाहर निकले, वैसी जगह पे ना जाए। और वहाँ पे पैसे भी लगते हैं सर, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6-6 महीने के, दो साल के 10-10, 20-20 लाख रुपए लग जाते हैं। ऐसा भी इंस्टीट्यूशन है और वहाँ पे लोग 2 साल में कुछ सीखते नहीं है, बस
ऐसे ही मतलब स्टार बन जाते हैं वो अंदर ही अंदर। देखिए आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ हमसे भी कई लोग सीखने के लिए नाटक आते हैं जी। तो मेरा सवाल होता है कि आप जानते हैं कि अभिनय क्या होता है? सिंपल सवाल होता है, अभिनय होता है भूमिकाओं को निभाना, अलग अलग भूमिकाओं को पहले समझना और उसको बखूबी निभाना। तो मैं एक सवाल करता हूँ कि आपके कौन कौन सी आपकी भूमिकाएं हैं? मैंने देखा है कि ज़्यादातर लड़के या लड़कियां अपनी भूमिकाओं से भाग करके अभिनय के ग्लैमर को देख करके आकर्षित होते हैं सीखने के लिए। वो अपनी भूमिका ही नहीं समझते हैं कि मेरी भूमिका क्या है। एक यूथ हैं, एक छात्र हैं और पढ़ने से मन उचट गया, ऐसे उत्तर मिलते हैं कि साहब पढ़ने से मन उचट गया इसलिए मैं आ गया नाटक में। मैं कहता हूँ जाओ, तुमसे नाटक भी नहीं होगा, तुमसे अभिनय भी नहीं होगा। जब एक भूमिका ढंग का अदा नहीं कर सके ठीक से तो तमाम भूमिकाओं को तुम क्या अदा करोगे? क्या बात, बोलते हैं साहब मैं फीस दूंगा, मुझे फीस नहीं चाहिए भाई, जाओ। दोस्तों ऐसे भी इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे फीस लेने से मना भी किया जा सकता है। वैसा इंस्टीट्यूशन एक है रंगश्री स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है। और जैसे सर यहाँ के संस्थापक हैं, सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे उन्हीं बच्चों को सिखाया जाता है जो सही में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे कह सुन के। अब बहुत सारे लोग सर ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि उनके फ्रेंड्स भी आते हैं या फिर भाई भी कि ये कुछ कर नहीं रहा है ना, इसको ना एक्टिंग में डाल दीजिए। तो ऐसे भी लोग मिलते हैं कि कुछ कर नहीं रहा है, पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, जॉब कुछ करता नहीं है, इसको ना ड्रामा में ही डाल दीजिए, एक्टिंग में, उसी में कुछ कर लेगा। तो क्या मतलब बनता है कि एक्टिंग ऐसी फालतू चीज़ है कि बिना पढ़े लिखे ऐसे ही कुछ भी कर लो? अब ये उनकी समझ पे निर्भर करता है एक्टिंग में या इस कला में इतना दम तो है कि आदमी को एक पॉजिटिव विचारधारा वाला व्यक्ति बना सकता है। और आपको याद होगा हमारे साथ ऐसे कुछ कलाकार आए थे जो रात भर जगते थे, सुबह 4 बजे सोते थे और दिन भर सोते थे, और अपने घर के परिवार के व्यक्तियों के साथ उनका संबंध भी अच्छा नहीं रहता था, वो किसी से बात नहीं ढंग से करते थे। तो मैं जिस तरीके से लेकर चलता हूँ, आप भी जानते हैं जी, बिल्कुल, कि पहले खुद को जानो। वो खुद को जानना क्या आसान है? बिल्कुल नहीं सर। अगर हम अपनी कमजोरियों को समझ लें, अपने स्ट्रेंथ को तो बहुत लोग समझते हैं, उसमें भी बहुत सारे नहीं समझते हैं। बहुत सारे इतने विनम्र होते हैं कि अपने स्ट्रेंथ को नहीं समझते, उनमें बहुत स्ट्रेंथ होता है। तो मेरा काम तो होता है कि पहले तुम अपनी कमजोरियों को समझो, इसको धीरे धीरे कम करो, दूर करो, और अपने स्ट्रेंथ को भी समझो, उसे धीरे धीरे बढ़ाओ। तो कई गार्जियन इस बात को समझते हैं बखूबी कि नाटक या नाट्य संस्था में जाएगा तो शायद अपनी कमजोरियों को यह समझना शुरू कर देगा और अपने स्ट्रेंथ को भी समझेगा, तो वो अपनी गलतियों का एहसास करेगा, अपनी कमियों को दूर कर पाएगा। और यही समझ के लोग आते हैं और उसमें बच्चे में या लड़के में लड़की में बदलाव भी पाते हैं और हमें धन्यवाद भी दे जाते हैं। वो तो है। अच्छा सर एक और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे बहुत सारे लोग ये सोच के आते हैं कि नाटक एक माध्यम है फिल्म तक जाने का, मतलब अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो भी आजकल तो बहुत सारे रीजनल भी फिल्म बनती है, अगर उसमें जाना है तो सबसे पहले आप थिएटर ज्वाइन कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। तो क्या थिएटर इसीलिए बच गया है अब कि हम सिर्फ फिल्मों तक ये माध्यम बन गया है, या फिर थिएटर का कुछ स्कोप भी है कि हम थिएटर में रह के ही कला जगत की सेवा करें और इसमें भी कुछ हम हासिल कर लें, ऐसा भी है इसमें? देखिए थिएटर या नाटक जो है एक जनता की संसद है, जनता का संसद जो है जनता के बीच में जा कर के और उनकी बातों को उनके सामने रखना, ये एक अलग विधा है। हाँ बहुत सारी समानताएं इसलिए हैं कि हम अभिनय यहाँ भी करते हैं और अभिनय वहाँ भी करते हैं, तरीका अलग अलग होता है,
लेकिन अभिनय तो मूल में है, और ये समाज का, देश का या व्यवस्था का दुर्भाग्य है कि इसको हम गौण करके और फिल्म को ज़्यादा महत्व देते हैं, भले ही वो फिल्म एक नकारात्मक सोच फैला रहा हो या अश्लीलता फैला रहा हो। या आज आप देखेंगे कि जितने सारे अपराध हो रहे हैं, मैं फिल्म को या नाटक को इसका दोष नहीं देता हूं, लेकिन आम तौर पे लोग ये बैंक चोरी की, डकैती का ट्रिक सीखते हैं फिल्मों से, लड़कियों के साथ कैसे छेड़छाड़ हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये सारी निगेटिव चीज़ें जो फिल्मों में दिखाई जाती हैं। निर्माता तो शायद ये सोचता होगा कि अच्छी बातें लोग ग्रहण करेंगे, लेकिन अच्छी बातें सहजता से ग्रहण नहीं होती हैं, गलत बातें तुरंत ग्रहण करते हैं लोग। तो नाटककार हो या फिल्मकार हो, लेखक हो या साहित्यकार हो, समाज का अभिभावक है वो। अभिभावक अगर अपना दायित्व निभाना छोड़ दे तो समाज तो गलत राह जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो सर एक और बात ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जैसे अब खासकर बोलते हैं कि नाटक जो है कला की सेवा करना है, कला की सेवा हम करते हैं नाटक के माध्यम से, फिल्म भी, फिल्म का निर्माण भी इसीलिए हुआ था कि हम लोगों को आईना दिखाएं, लोगों को समाज में कुछ अच्छी चीज़ें रखें। नाटक भी इसीलिए किया गया कि नाटक में कुछ एंटरटेनमेंट भी हो और कुछ अच्छी चीज़ें भी लोगों के समक्ष हम रखें कि लोगों में बदलाव आए। तो कला की सेवा कहाँ तक हो रही है, नाटक के माध्यम से और फिल्म दोनों के माध्यम से कला की सेवा कहाँ तक हो रही है, कि कलाकारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है या फिर बस बिजनेस बन के रह गया, या नाटक भी अब बिजनेस ही एक तरह से, नाटक में पैसा जहाँ जहाँ से मिल रहा है, जैसे जैसे मिल रहा है वैसे वैसे हो रहा है, और फिल्म में तो खासकर बिजनेस बन ही गया है। तो आप क्या कहेंगे, क्या बिजनेस ही है या फिर अभी भी कला जिंदा है इसमें? देखिए, ये बहुत एक गंभीर विषय है और इसकी चर्चा हम लोग अगर करें तो संक्षिप्त मैं रूप से कहना ये चाहूँगा कि जैसा समाज, जैसे समाज के लोग, उसी तरह की व्यवस्था मिलती है उन्हें। जो कुछ मिलता है हमें, वही मिलता है जो हम डिजर्व करते हैं। यानी अगर हम जात पात के नाम पे वोट देते हैं तो हमें जात पात करने वाली सरकार मिलती है। क्या बात? अगर हम विकास का को महत्व देते हैं तो विकास कराने वाली सरकार मिलती है। उसी तरीके से समाज के लोग महत्व देते हैं पैसे को, धन को। भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ चरित्र को लोग महत्व देते थे, त्याग को महत्व देते थे, त्यागी पूजे जाते थे। अब अगर त्यागी या समाज सेवी सही माने में जो है, जो अपना निज स्वार्थ को त्याग करके समाज के लिए कुछ करता है और उसको समाज के ही लोग उसको बेवकूफ समझते हों, तो उस समाज को ऐसे त्यागी मिलने का हक नहीं है। उन्हें वही मिलेगा जो किसी भी तरीके से धन कमाया हो। वो तरीका अश्लीलता फैलाने का होगा, वो तरीका चोरी करने का होगा, वो लोगों को गुमराह करके, ज़बरदस्ती करके, लूट के, खसोट के, घूस ले करके वो धनवान बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि समाज उसी की पूजा करेगी। बिल्कुल। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपको आगे बढ़ना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप गलत रास्ते पे जाएं। सही है सर? एक बात और मैं कहूँगा, देखिए थिएटर हम करते हैं, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं? हम 20,000 में भी खुशी खुशी अपना लाइवलीहुड चला सकते हैं, लेकिन हमारी चाहत बढ़ते जाती है। क्यों? क्योंकि हम अनुकरण करते हैं, हम समाज को देखते हैं कि भाई हमारी पूछ नहीं हो रही है, हमारे पास मर्सिडीज कार होगा तब पूछोगी, हमारे पास एक बंगला होगा तब पूछोगी, अब उसके पीछे हम भागना शुरू करते हैं। तो नाटक तो ये नहीं देगा। नाटक अगर 20,000 में हम संतुष्ट हैं और हमें कुछ लेके नहीं जाना है, छोड़ के जाना है, तो हम करते रहेंगे।
लेकिन हमारी ख्वाहिश बढ़ते जाती है कि नहीं इससे काम नहीं चलेगा, ये किया जाए वो किया जाए। नाटक बहुत कुछ दे भी देता है सर, मुझे तो नाटक ने ही बहुत कुछ दिया है। और सर मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ, खैर आपने जॉब किया है लेकिन फिर भी नाटक ने जो आपको सम्मान दिया इस पूरे देश में, पूरे भोजपुरी और हिंदी जगत में जिस तरह सम्मान दिया, मुझे नहीं लगता है कि आपकी जॉब ने दिया होगा। बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने। और जॉब में भी जो हमें तरक्की मिली उसमें भी नाटक का सहयोग रहा, क्योंकि नाटक ने मेरे आत्मबल को बढ़ाया, मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया। और जब मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ एक अधिकारी के रूप में देखा गया तो मुझे प्रोन्नति भी मिली, तो मैं तो उसको नाटक का ही सहयोग मानूंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये नाटक का एक सकारात्मक उपयोग और प्रयोग हो सकता है। लोग इसको नहीं समझते, गार्जियन नहीं समझते, जो समझ गया उसका लाभ उठाता है। सर मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, अभी अभी तक जितनी जर्नी रही है आपकी लाइफ की, इसमें किसी चीज़ का पछतावा कि जो आपने नहीं किया अभी तक? हाँ, अभी तक पछतावा ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी लगता है कि हाँ अभी है, आगे मैदान खाली है, चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिंदगी के चाहे जब तक जियो आगे बढ़ते रहो, मतलब ऐसा नहीं कि खत्म हो जाती है यहाँ पे पहुँच के, खत्म हो गया, मतलब आगे बढ़ते रहिए, करते रहिए, जूझते रहिए और खुशी के साथ। मतलब सर अभी सर से बहुत लोग ये फील करते हैं, इनके फ्रेंड्स जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो जलन फील करते हैं कि यार ये ना बंदा हमेशा खुश कैसे रहता है यार। तो लाइफ में खुशी बहुत ज़रूरी है, जो खुश रहेगा वही तो ज़िंदगी जिएगा। ऐसे लाखों करोड़, मैं नहीं कहता पैसे ना कमाइए, पैसे हम भी कमाते हैं, पैसे आप भी कमाते हैं, पैसे सर ने भी पैसा कमाया है, लेकिन सर ने इज्जत कमाई है और खुशियाँ कमाई है। खुशियाँ बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। आप करोड़ों रुपये लेके भी खुश नहीं रह सकते, घर में तलाक ही होगा और बच्चे आपके सुनेंगे भी नहीं, लेकिन आप लाख रुपये महीना कमा के भी खुश रह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा ना कमाएं, दोनों को बैलेंस्ड रखें। खुशियाँ बांटेंगे तो खुशियाँ मिलेंगी, खुशियाँ बांटेंगे तो खुशियां। तो हमने तो बांटा है, बिल्कुल हमने तो अपने नाटकों से बांटा है। और जहाँ बैठते हैं, जहाँ जाते हैं, वहाँ दस आदमी जब मिलते हैं तो ऐसी बातें होती हैं जहाँ लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो उनको आनंद आता है बात करके, मिल करके, तो खुशियाँ बांट रहे हैं। आदमी जब खुशियाँ बांटने लगे ना तो उसका जीवन ऐसे ही खुशमय हो जाता है। दोस्तों कभी भी मैं लगता है कि मुझे कहीं निराशा घेर रही है या कभी अंधकार ऐसा लगता है सामने, तो मैं सर से ज़रूर मिलता हूँ। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, पहले ही बताया, सर से ज़रूर मिलता है, वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर लोगों को मोटिवेट करता हूँ। लेकिन कभी भी ऐसा भी निराश नहीं हुआ मैं कि अब नहीं कर पाऊँगा। यानी एक बार अगर चिंगारी भड़क गई और वो आग का रूप ले ली है तो मोटिवेट खुद को करते रहिए, समाज को देख के भी, लोगों को देख के भी, और ऐसे ऐसे गुरुओं के साथ मिल के भी, और खासकर हमारे YouTube चैनल में आके भी आप मोटिवेट हो सकते हैं, देख सकते हैं, एक्टिंग टिप्स को जान सकते हैं। मैं अगले एपिसोड में ज़रूर आऊँगा सर, अगले एपिसोड में फिर से आपसे टॉक करूँगा। मैं अगले एपिसोड में आऊँगा एक्टिंग टिप्स के बारे में कि एक्टिंग अगर सीखनी है तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा और कैसे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम मिलते नहीं हैं, तब तक के लिए सर हमारे साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सबा खैर, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। तो ये थे आज के हमारे गेस्ट। ऐसे ही लोगों के साथ चाहते हैं आप बातचीत करना, ऐसे ही लोगों के साथ चाहते हैं कि आप मोटिवेट हों, आप देखें, आप जानें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम ऐसे ही लोगों को बुलाएं और आपको मोटिवेट करें, आपको जानकारी दें, क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं हैं आपके लाइफ में, आपकी दुनिया में। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, यानी द ड्रीम प्लान चैनल को, और इस बेल आइकन को भी दबा दें, घंटे को दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए।